हाय डियर बच्चास, जियो जेई। सो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फोड़ू पीवाईक्यूज जेई मेन सीरीज, राइट। जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है फोड़ू सीरीज, मतलब अपन जेई मेन्स को फोड़ेंगे, राइट। सो ठीक है, छोड़ेंगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अपन जरूर से जरूर फोड़ेंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स के जबरदस्त चार क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर क्वेश्चन। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा, माय डियर फ्रेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, पीएनएक्स अपॉन क्यूएनएक्स, वो जो पॉलिनोमियल्स वाला फंडा होता है जिसमें इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का फॉर्म बनता है, वो भी आएगा, सीरीज के क्वेश्चंस भी आएंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करते हुए भी क्वेश्चंस आएंगे। सो ठीक है, अपना दिल और दिमाग थाम करके बैठिए माय डियर फ्रेंड्स, और ये सीरीज आपको फोड़ू सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर 100 क्वेश्चंस, आपको पता है टॉप 100 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस पीवाईक्यूज के, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, 6 कॉम्बिनेशंस अपन इंक्लूड करने वाले हैं, जो कि लगभग वो जो 6 कॉम्बिनेशंस है मोर देन 60% ऑफ जेई मेन के जो क्वेश्चंस है उनको कवर अप करेगा। आपको लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस का गारंटी मिल सकता है, उसमें से आप काफी ठीक ठाक से क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैंने वो 6 कॉम्बिनेशंस लिए, क्योंकि अगर पूरी मैथ्स में से 100 क्वेश्चंस लेता तो शायद उसमें मैं बहुत सारी चीजें टच नहीं कर पाता, लेकिन 6 कॉम्बिनेशंस मतलब लगभग 10 से 12 चैप्टर्स होंगे, तो उन 10 चैप्टर्स में से अगर अपन 100 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो लगभग पर चैप्टर अपने को 8 से 10 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज अपने को मिलेगा, जिससे कि आप बहुत सारे ऐसे चीजों को टच कर पाओगे जो कि जेई मेन 2025 में आपसे पूछी जाएंगी। तो ये मोस्ट प्रेडिक्टेड, मोस्ट प्रोबेबल 100 जेई मेंस पीवाईक्यूज है, इसलिए इसका सीरीज का नाम रखा है मैंने फोड़ू, राइट। सो ठीक है, फोड़ना है और छोड़ना नहीं है, सो ठीक है, अपन मिलके फोड़ेंगे। मैं बोलता हूं ना, मिलके मचाते हैं, मैथ्स का डर भगाते हैं, क्वेश्चंस का बैंड बजाते हैं, और तेरा ड्रीम जेई पूरा करके आते हैं। सो ठीक है, अपन बस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, अगर आपका मैथ्स में बैंड बजा हुआ है, अगर आपको मैथ्स में स्ट्रगल है और आपको लगता है जेई मेन में आपका सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रुक सकता है, तो मैं बोलता हूं फिर ना कहना जेई मेन में मैथ्स ने सिलेक्शन रोक दिया, फिर ना कहना माय डियर फ्रेंड्स जेई मेन में मैथ्स की वजह से या मैथ्स डिफिकल्ट लगेगी पेपर के बाद, मत कहना माय डियर फ्रेंड। तो मैं बहुत ही एक जबरदस्त क्रैश कोर्स लाया हूं मात्र 1499 रुपीज में, जो कि मैथ ई गुरु के ऐप में जाकर के या ये दिए हुए नंबर पे जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है माय डियर फ्रेंड, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ कॉस्ट इज जस्ट ₹1499। हो सकता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सही चल रहा हो, मैथ्स में आपका कुछ 19-20 हो रहा हो, तो सारे के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज और थ्योरी बेसिक्स से और कुछ मॉनिटर्ड प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे, उसमें मॉक टेस्ट होंगे, 6-7 मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, बहुत सारी चीजें, तो वो सब जाकर के आप मैथ ई गुरु के ऐप पे देख सकते हो, और उसकी डिटेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, और ये स्क्रीन पर जो डिटेल आपको दिख रही है माय डियर फ्रेंड, इसमें अपन 110 आवर्स कंप्लीट करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में, तो इसको छोड़ना मत भाई साहब, नहीं तो मैं बोलूंगा फिर से कि फिर ना कहना जेई मेन में मैथ्स ने सिलेक्शन रोक दिया। लव यू बच्चों, और अपन स्टार्ट करते हैं सेशन, बजाते हैं लिमिट्स के क्वेश्चंस का बैंड। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जी, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, राइट। देखो जी, क्रिक का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, है ना, अल्फा बोलिए या ए बोलिए, एक ही बात बोलिए, है ना, अल्फा बोल देता हूं। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा, बॉक्स ऑफ x -5 बॉक्स ऑफ 2x +2 0, ओके, दिस बॉक्स ग्रेटर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये चार चॉइसेस अपने को रखे हुए, तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा, अल्फा पर अपन को केसेस बनाने होंगे, तो ये जो फंक्शन है ना अपना, उसको अपन देखते हैं। तो आपको पता है ना, बॉक्स ऑफ x प्लस आई, बॉक्स ऑफ x प्लस आई जो होता है उसको अपन लिखते हैं बॉक्स x प्लस आई। अभी फंक्शन में सिखाया था मैंने ना, बॉक्स ऑफ x प्लस आई लिखते हैं, ये फंक्शन में आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, तो वो प्रॉपर्टी यहां पर लगा देता हूं। तो बॉक्स x -5 बॉक्स 2x, है ना, -2
टू, ऐसे कुछ आ रहा होगा, इक्वल टू जीरो, राइट? ये अपन को गिवन है, अरे कुछ इक्वेशन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा पे है ना, एक्स इज टेंडिंग टू अल्फा, तो अल्फा पर अपन देख लेंगे, राइट? एक्स इज टेंडिंग टू अल्फा, इट इज इन अवर माइंड, ओके? तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से जाएगा भाई, ठीक है, बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स 2x इक्वल टू 7। अब इसमें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, बिना केसेस के काम बनेगा नहीं, क्योंकि पता है आपको जब x हमारा अल्फा इंटीजर होगा, अल्फा इंटीजर होगा तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर पाऊंगा। तो अगर अल्फा इंटीजर है, राइट, तो अल्फा, इफ अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, उस केस में अगर मैं बात करूं तो अल्फा अगर इंटीजर होगा, क्या अपन समझ पा रहे हैं? तो यहां से इसको मैं डायरेक्ट अल्फा रख सकता हूं, इसको मैं माइनस टू अल्फा रख सकता हूं, ये इक्वल टू 7, तो यहां से अल्फा इक्वल टू माइनस 7 आ गया, क्लियर? अभी मैं बोलता हूं केस टू में, केस टू, तो केस टू अगर मैं बोलूं भाई अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट, तो फिर इसका मतलब है कि अल्फा जो है दैट इज लाइक आई प्लस एफ, कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा, कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल, फिर से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल अगर मैं रख देता हूं, है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास, फर्स्ट में अपन पुट कर देते हैं, राइट, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये अपन के पास आ रहा होगा, चेक करिएगा प्लीज, तो आई प्लस एफ बॉक्स माइनस टू आई प्लस टू एफ, राइट, इक्वल टू 7, तो यहां से देखो 2i और i बाहर आ जाएगा, तो माइनस i आ जाएगा, समझ रहे हैं प्लीज? तो यहां से अपन के पास आ रहा होगा, चेक करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, तो ये अपन के पास आएगा, क्या आएगा दोस्तों, बोलो 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 भाई, यहां से ठीक है, बॉक्स f जो है, f जो है हमारा वो 0 से 1 के बीच में होता है, f बिलोंग्स टू 0 टू 1, राइट, f बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो इसको तो ये तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा i, क्योंकि भाई i प्लस f है, तो अगर आप i बाहर निकालोगे तो बॉक्स ऑफ 0 टू 1 तो 0 ही आएगा, क्लियर, और माइनस के साथ आ रहा होगा 2i, और ये माइनस का 2f बच जाएगा इक्वल टू 7, तो यहां से अपन कह सकते हैं कि ये इक्वल्स टू आ रहा है माय डियर फ्रेंड i प्लस, है ना, i प्लस 2 टाइम्स f, i प्लस 2 टाइम्स f, है ना, बॉक्स ऑफ 2 टाइम्स एफ इक्वल टू माइनस 7 आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से सुनना, क्लियर? तो भाई ठीक है, यहां पर देखो फिर से दो केस बनेगा, क्योंकि भाई ये जो 2f है ना यार, ये इंटीजर हो सकता है, अगर f हमारा 0 से हाफ के बीच में हुआ तब तो 2f 0 होगा, लेकिन अगर 2f हमारा हाफ से 1 के बीच में हो गया, राइट, f हमारा, f जो है, क्योंकि f की रेंज समझना, f जो है 0 से 1 है, तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई 2f की बात करूं तो 2f belongs to 0 to 2, तो एक्चुअली जो 2f है वो दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, तो यहां पे बोलना पड़ेगा भाई f belongs to 0 to half, एक लेना पड़ेगा, और एक लेना पड़ेगा f belongs to half to 1 लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा भाई साहब half to 1 लेना पड़ेगा, क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 0 to half के केस में, 0 to half के केस में अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है अपने पास i equals to minus 7, I equals to minus 7 अपने पास आ रहा, I equals to minus 7, तो ये 0 to half अपन ने क्या अपन समझ पा रहे दोस्त, तो यहां से अपन के पास आएगा भाई minus 7 to minus 6.5, तो इससे इंटरवल आ जाता है minus 7 to minus 6.5 इंटरवल आ गया, मतलब अल्फा जो है, अल्फा belongs to, यहां पे I equals to अल्फा रख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू आई प्लस एफ है, तो जब आपने सॉल्व करा तो एक्चुअली अल्फा इक्वल्स टू आई प्लस एफ अपन ने पुट करा है, तो यहां से अपन कह सकते हैं कि भाई जो अल्फा है वो बिलोंग्स टू माइनस 7 टू माइनस 6.5, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट इसमें 0 टू हाफ है, तो फ्रैक्शन पार्ट आप हाफ इसमें ऐड कर दो, आई प्लस एफ आपका अल्फा था, क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो माइनस 7 टू भाई 0 टू हाफ अपन ने उसमें ऐड कर दिया। अभी देखो एफ बिलोंग्स टू हाफ टू 1 है, हाफ टू 1 के केस में ये मैं कह सकता हूं कि भाई ये अपन के पास आ रहा होगा 2f जो है वो 1 से 2 जाएगा, तो ये आएगा भाई साहब i प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 7, तो i इक्वल्स टू यहां से माइनस 8 आ गया, ये आ गया माइनस 8, अब आप माइनस 8 i प्लस f रखना है, तो माइनस 8 प्लस हाफ टू 1 रख दो, माइनस 8 में आप हाफ से 1 ऐड कर दो, तो माइनस 8 में आप हाफ से 1 ऐड करोगे, तो इसका मतलब ये जो यहां पर आ रहा होगा अल्फा बिलोंग्स टू क्या आएगा भाई, माइनस हाफ से ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा माय डियर फ्रेंड 7.5 माइनस के साथ, भाई आई प्लस एफ निकाल लो यार अल्फा, तो भाई माइनस 8 में हाफ ऐड करो, हाफ टू 1 ऐड करना है, राइट, तो हाफ तो ये माइनस 7.5 आ रहा है, माइनस 7.5 टू
माइनस सेवन पॉइंट फाइव टू माइनस सेवन तो आपने पहले से निकाल ही रखा है, माइनस सेवन अपन ने निकाल रखा है, तो इसका माइनस सेवन अपन ने निकाल रखा है पहले से, राइट। अल्फा इक्वल टू माइनस सेवन हो रहा है, तो जब आप वन के केस में वही होगा एक्चुअली, है ना, तो वन में तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस सेवन आप चाहो तो भाई क्लोज भी कर सकते हो, माइनस सेवन क्लोज हो जाएगा, तो माइनस सेवन क्लोज करते हो, माइनस सेवन पॉइंट फाइव से माइनस सिक्स पॉइंट फाइव शुड बी योर आंसर, माइनस सेवन पॉइंट फाइव टू माइनस सिक्स पॉइंट फाइव शुड बी योर आंसर, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। तो मैं फिर से एक जल्दी से समझा देता हूं कि भाई अपन ने सबसे पहले क्या किया है, ये जो इक्वेशन अपने पास ही है, बेसिकली लिमिट से ज्यादा ये बॉक्स का क्वेश्चन है, लिमिट से ज्यादा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, लिमिट तो जस्ट लगी हुई है कि आपको फील कराने के लिए भाई कि अल्फा के आसपास अपने को चेक करना है। तो अपन देखो इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करके ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपने पास आ जाती है, राइट, इसी पे खेलना है। अब अपने को पता है यार कि अल्फा इंटीजर को अगर बिलोंग करता है, अल्फा इंटीजर को बिलोंग करेगा तो डायरेक्ट अल्फा इक्वल टू माइनस सेवन एक सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, राइट। अब बोल रहा है केस टू, अल्फा का नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स है और i प्लस f अगर अपन ने रख करके इसको सॉल्व करा तो i माइनस t के यहां पे अपन पहुंच जाते हैं कि भाई i प्लस बॉक्स 2f इक्वल टू माइनस सेवन। अब देखो यहां पर कहानी में क्या ट्विस्ट है कि 2f इंटीजर हो सकता है, 2f इंटीजर एक हो सकता है, 1 बन सकता है, तो 0 टू हाफ टेक्निकली 0 टू हाफ और हाफ टू 1 में इसको स्प्लिट मारना पड़ेगा, 0 टू हाफ और हाफ टू 1 में इसको स्प्लिट मारना पड़ेगा। और आपको पता है भैया ठीक है कि भाई अपन आराम से काम कर सकते हैं, तो यहां पे इंटीजर इक्वल टू माइनस एट आ रहा है, लेकिन आपने हाफ टू वन जब इसमें ऐड करोगे, जब हाफ टू वन ऐड करोगे तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव टू माइनस सेवन अपन के पास आ रहा होगा, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड ये जबरदस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर आप चेक कर लो। तो एक्चुअली देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट क्या आ रहा है कि देखो यहां पर जो हाफ है ना हाफ क्लोज है, तो जब आप हाफ क्लोज करोगे ना तो माइनस एट पे हाफ जब आप क्लोज करोगे, हाफ यहाँ पर क्लोज है, तो जब माइनस एट पे प्लस हाफ करोगे तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव क्लोज होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर अच्छा क्लोज नहीं है, यहाँ पर क्लोज नहीं है, माइनस सेवन पॉइंट फाइव देख लो यार कहीं पर क्लोज हो तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव इसमें क्लोज है, और इसका आंसर कई जगह पर गलत दिया हुआ है एक्चुअली, है ना, कई सारे बुक्स वुक्स में यार देख लेना यार, है ना, कई जगह पर इसका आंसर गलत है, तो एक्चुअली है ना माइनस सेवन पॉइंट फाइव इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा यार, माइनस सेवन पॉइंट फाइव इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। सो ठीक, आंसर शुड बी माइनस सेवन पॉइंट फाइव टू माइनस सिक्स पॉइंट फाइव, एक बार चेक भी कर लेते हैं ना यार, माइनस सेवन पॉइंट फाइव होगा या नहीं होगा एक बार चेक कर लेते हैं, राइट, माइनस सेवन पॉइंट फाइव एक बार चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा, राइट, तो एक बार चेक करो यार। तो अगर मैं माइनस सेवन पॉइंट फाइव इसमें पुट करता हूं तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव और माइनस फाइव तो ये माइनस का 12.5 बन रहा है, राइट, माइनस का 12.5 बॉक्स, और माइनस 7.5 अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 2 माइनस 15। भाई देखो बाउंड्रीज को आप वैसे भी चेक कर सकते थे, देखो यहां पर 7.5 नहीं है माइनस का, यहां पर 6.5 है, तो आप माइनस 7.5 और माइनस 6.5 दो पॉइंट्स को पुट करके ही क्वेश्चन में आंसर चेक कर सकते थे, ये सब बवाल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस इतने ब्यूटीफुली दिए हैं, ऑप्शंस इतने मतलब कहना चाहिए ऐसे दिए हुए हैं कि अपन आराम से चेक करके आंसर निकाल सकते थे, राइट। तो बेसिकली ठीक है देखो माइनस 12.5 इसका जो बॉक्स होगा, इसका बॉक्स आ रहा होगा माइनस 13 और इसका बॉक्स भी माइनस 13 आ रहा है, तो माइनस 13 प्लस 13 इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका ये आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। चलो जी, खतरनाक क्वेश्चन रखा, ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन देखो अपने को ये पता चल रहा है, देखो समझना मेरी बात को, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। यहां पर देखो सबसे पहले नजर पड़ती है लिमिट पर, तो लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी है अगर लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी रखा है तो इसका देखो यहां पर भी ये पॉलिनोमियल समेशन जो होगा पॉलिनोमियल होगा। आपको पता है एपी वगैरह अपने को दी हुई है, तो एपी वगैरह अपन लगाएंगे तो समेशन जो है ना पॉलिनोमियल बनता है, क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ बनेगा, राइट। और यहां पर भी देखो ये 2 टू द पावर n, इसमें भी इसे जब आप कॉमन निकालोगे तो यहां से n स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है और यहां से भी n स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसका इन दोनों से जो हाईएस्ट डिग्री है वो n स्क्वायर कॉमन आएगा, क्लियर, एन स्क्वायर कॉमन आएगा और ऊपर से भी एन स्क्वायर टाइप एपी का फॉर्मूला बनता हुआ लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, देखो दो तीन एपी बना लो यार, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वैसे तो क्लब होकर के इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीन 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 का सम जो है ना एपी बन रहा है, लेकिन आप वो सब छोड़ो, आप तो ऐसे भी कर सकते हो 1, 4 और 7 और 2, 1, 4, 7 एक एपी बना लो, दूसरी एपी बना लो यार 2, 5, 8 राइट, तीसरी एपी बना लो, तीसरी एपी बना लो भाई 3, 6, 3, 6, 9 क्लियर। तो इसका मतलब ठीक है तीन तीन के डिफरेंस वाले एपीज बन जाएंगे, क्लियर। तो मैं करता हूं दोस्तों, ठीक है चलो जी स्टार्ट करते हैं। लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी, बाय फर्स्ट मैं एपी लिख रहा हूं एन बाई टू इंटू टू ए, तो टू ए वन फर्स्ट टर्म है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज वॉट 3, प्लस एन बाई टू इंटू टू सेकेंड टर्म है 2 मतलब ये फर्स्ट टर्म बनेगा 4, प्लस एन माइनस वन इंटू 3
नेक्स्ट आ रहा है ठीक है माइनस के साथ एन बाई टू, तो 3 into 6 ठीक है दिमाग नहीं लगा रहा हूं ज्यादा, ठीक है दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, इंटू 3 ठीक है दिस होल डिवाइडेड बाई n square, मैंने पूरे से कॉमन ले लिया n square, अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यार रूट के अंदर, रूट के अंदर ये तो 2 बचेगा प्लस ठीक है 4 बाई एन क्यूब प्लस 3 बाई एन टू द पावर 4 माइनस के साथ आ रहा होगा रूट अंडर, तो n square कॉमन निकाला है तो 1, ये तो 1 बचेगा, फर्स्ट वाला तो 1 ही होगा, तो फर्स्ट वाला तो माय डियर फ्रेंड 1 होगा, दूसरा वाला जो होगा वो 5 अपॉन एन क्यूब होगा और तीसरा जो होगा वो 4 अपॉन एन टू द पावर 4 होगा, राइट। तो अपन ठीक है यहां से अपन इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, क्लियर। हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालना होता है, तो यहां से देखो जी ठीक है जब आप सॉल्व करोगे तो जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो तो अपने को दिख रहा है, न्यूमरेटर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो एन बाई टू आपने पूरे से कॉमन निकाल लिया, एन बाई टू कॉमन निकाला तो ये बन रहा है 2 + 4 - 6, तो 2 + 4 - 6 बन रहा है, फिर एक n माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हो, तो n माइनस 1 कॉमन अपन ने निकाला तो यहां से बन रहा है भाई ठीक है 3 + 3 - 3, राइट। और इसको अपन ने सॉल्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट बाई ठीक है दिस होल डिवाइडेड बाई है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, क्लियर। तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव अपने को अप्रोच करना है, थोड़ा सा सीखना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो यहां से देखो ये जो 2, 4, 6 है कैंसिल हो गया, यहां से 3, 3 कैंसिल हो गया, तो ये देखो 3n - 1 और ये अपने पास आ रहा है तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा और n इंटू n माइनस 1 जो होगा वो n स्क्वायर माइनस n आ रहा है, और यहां से भी n स्क्वायर इनटू ये जो ब्रैकेट अपने पास है, समझना मेरी बात को, ब्रैकेट में देखो ये टेंडिंग टू जीरो है, दिस इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो, दिस टेंडिंग टू जीरो, दिस आल्सो टेंड्स टू जीरो, तो यहां से देखो रूट टू बच रहा है, यहां से माइनस 1 बच रहा है, तो ये अपन के पास रूट 2 - 1 आ गया, और ये जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर आप यहां से भी कॉमन निकाल लोगे तो ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर कॉमन निकाल करके 1 - 1 / n, राइट। तो जब आप सॉल्व करोगे चेक करना प्लीज प्लीज प्लीज, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो यहां से ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये अपन के पास बच रहा है भाई 3/2, ठीक है 3/2 और रूट 2 - 1 बच रहा है, 3/2 √2 - 1, ये दिस इज योर आंसर, 3/2 √2 - 1, देख लो यार 3/2 अच्छा √2 + 1 कर रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3 √2 + 1 / 2 × 2 - 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 3/2 √2 + 1, ठीक है दिस शुड बी योर आंसर, थर्ड इज योर आंसर, क्लियर। तो भाई ठीक है थर्ड इज योर आंसर, चेक कर लेते हैं, थर्ड इज योर आंसर, क्या बात है क्या बात है। अब देखो जी ठीक है नेक्स्ट आ रहा था वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 sec थीटा टू द पावर x, मतलब a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन या a टू द पावर ऐसे समझ लो, थोड़ा और बेटर लिख दूंगा आपके लिए, चलो जी क्या बात है क्या बात है, आप भी क्या याद करो, a टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 इक्वल्स टू ln a, ये कुछ लिमिट लगाना चाह रहा है और वो दिख जाता है यार भाई, यहां पर बेस के प्लेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sec थीटा लगा रहा है क्योंकि कंफ्यूज करना चाहता है, तो अपन भी स्मार्ट लोग हैं यार, अपन भी स्मार्ट लोग हैं, तो यहां पे आप क्या करो यार 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दो, जिससे कि हमें एक्सपोनेंट x माइनस 2 चाहिए, मुझे यहां पर x नहीं चाहिए, क्या चाहिए भाई x माइनस 2 चाहिए, तो मैंने sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो यह x माइनस 2 बन जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 तो यहां से sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये बनेगा भाई sec टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1, फर्स्ट तो ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, क्लियर, फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो गया, क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट बेटी के माइनस के साथ माइनस के साथ tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, राइट, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो ये बचेगा दोस्तों tan टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1, क्लियर, दिस ठीक है होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ गया, तो इसका मतलब देखो x माइनस 2 को एक बार इधर क्लब कर दो और एक बार x माइनस 2 को इधर क्लब कर दो, राइट, तो इन दोनों को क्लब करो, तो ये अपन ठीक है जब क्लब करेंगे तो ये देखो जी ठीक है ये जो x माइनस 2 है ये x माइनस 2 अपन राइट साइड के लिए क्लब कर रहे हैं, क्लियर, राइट साइड के लिए क्लब कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है चेक करो जी, चेक करो आंसर लिखते हैं फाइनल फाइनल, तो भाई ठीक है लिमिट एक्सटेंड्स टू, मेरा ये लिमिट तो लगाने का जरूरत नहीं है ना यार, तो sec स्क्वायर थीटा तो एज इट इज बचेगा और ये sec टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1, sec को आप
सिक को आप फील करो, सिक को आप फील करो ए, तो ए टू द पावर एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, दिस इज एलन सिक थीटा, एलन सिक थीटा राइट। और यहां से अपने पास आ रहा होगा माइनस के साथ टेन स्क्वायर थीटा राइट, ये तो एज इट इज आ रहा है। और नेक्स्ट बाई डी के यहां से एलन टैन थीटा, क्या आएगा दोस्तों, एलन टैन थीटा, तो एलन टैन थीटा अपने पास आ जाएगा, तो ये बन के पास आंसर है। सो माय डियर फ्रेंड, ठीक है, यहां से sec स्क्वायर थीटा आया, इसका आंसर ln sec थीटा आया, ये tan स्क्वायर थीटा अपने पास आ गया और इसका आंसर ln tan थीटा आ गया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, सो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा ln tan थीटा, नहीं ये नहीं होगा, ln tan थीटा अपना ln sec थीटा एक्चुअली, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस ln sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू ln tan थीटा, ठीक है, दिस इज योर आंसर राइट। तो भाई ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, ठीक है, कहीं पर sec ln sec sec एलन टैन, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं, तो थोड़ा केयरफुली है ना, थोड़ा केयरफुली अपने को मार्क करना, ध्यान रखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भाई अच्छे से आंसर मार्क करना की भी जरूरी है, तो फोर्थ इज योर फाइनल आंसर राइट।